और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। इससे संबंधित जानकारी आपको देते, दरअसल सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या मणिराम दास छावनी पहुंचे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से इन्होंने मुलाकात भी की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है, विकास कार्यों का भी यहां जायजा लेंगे। अयोध्या पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी में भी गए और साथ ही रामलला के भी दर्शन करेंगे। अयोध्या के विकास कार्यों की यहां जानकारी लेंगे, जायजा इस वक्त ये ले रहे हैं। उस वक्त की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जब यहां हनुमानगढ़ी गए और यहां पर भी इन्होंने दर्शन किया, पूजा किया। हालांकि चेहरे पर मास्क भी इन्होंने लगाया हुआ था, कोरोना काल है चूंकि जो गाइडलाइंस है उसको खुद ही सरकार भी फॉलो करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान यहां पे रखा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ी की ये तस्वीर है जब मंदिर प्रांगण में ये अंदर मौजूद थे दर्शन के लिए। अयोध्या के विकास कार्यों का दरअसल जायजा लेंगे योगी आदित्यनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास से भी इनकी मुलाकात और तमाम मसलों पर बातचीत होगी। किस तरीके से जो कार्य है रामलला मंदिर निर्माण कार्य वो आगे बढ़ेगा, क्या कुछ यहाँ पे तस्वीरें आ रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर है अयोध्या के दौरे का, जब यहां पर पहुंचे वो जायजा ले रहे हैं। हनुमानगढ़ी जब वो पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन इन्होंने किए हैं। अयोध्या मणिराम दास छावनी भी पहुंचे ये, और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट हैं उनके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात करेंगे और जायजा लेंगे। अयोध्या के विकास कार्यों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, किस तरीके से पूरे अयोध्या को भी विकसित करने की तैयारी हो रही है। जी मीडिया संवाददाता सुशांत श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वक्त, क्या चल रहा है अयोध्या में, योगी आदित्यनाथ कहाँ? बिल्कुल, देखिए अगर बात करते तो योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं और 1:30 बजे के लगभग वो अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन किए हैं, रामलला का मंदिर का दर्शन किए, साथ ही अयोध्या के विकास कार्यों की भी उन्होंने सर्किट हाउस में समीक्षा की है, जिसमें अयोध्या से जुड़े जो अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हुए थे। अब वो राम मंदिर निर्माण स्थल की भी समीक्षा करेंगे, वहां पे जाएंगे, देखेंगे किस तरह से बनना है, क्या होना है। हालांकि आपको बताएं कि पहले ये कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का 2 जुलाई को था, लेकिन पीएम मोदी के आने का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया, इसलिए आज वो अयोध्या पहुंचे हैं। पहले वो गोंडा गए थे और गोंडा के बाद सीधे उन्होंने अयोध्या पहुंचे हैं, जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। सबसे बड़ी बात बताएं कि 2 जुलाई को पीएम मोदी के हाथों से अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना था, जिसको अभी कोरोना और चीन के तनाव को देखते हुए कैंसिल कर दिया गया है, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ आज पहुंच गए हैं, वहां पे वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, साथ ही राम मंदिर निर्माण स्थल की भी वो पूरी जो स्थिति है उसको अधिकारियों से बातचीत करके देख रहे हैं कि क्या है कैसे, क्योंकि अभी बता रहे हैं तो कुछ दिन पहले अभी बीएचपी और आरएसएस की बैठक 26 तारीख को वहां पर हुई थी, जिसमें चंपत राय खुद शामिल हुए थे और राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी चिंतन हुआ था, काफी बातचीत हुई थी कि कब इसका उद्घाटन किया जाए, कब क्या हो। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और वहां पे बैठक करेंगे, ट्रस्ट के समिति में जो लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगे और राम मंदिर निर्माण की जो डेट है उसको लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर में कब इस डेट को रखा जाए कि राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया जाए। विकास से संबंधित जानकारी या राम मंदिर निर्माण को लेकर के जानकारी, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद ये अब सारी जानकारी लेंगे, बैठक करेंगे, लोगों से मुलाकात